चैप्टर थ्री में देखते हैं, मतलब किसी इतनी कंपनियां यहां पर दिखाई गई हैं कि ये क्या बनाती हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन आती ना, इतने बॉल खाली काम के हैं बस इस वाली ऐसी। तो ये एंटीना की लाइन थी। अब अगर हमको देखना है इस पर पावर, पावर की सप्लाई कौन कौन सी आ रही है, तो सर्किट में हम लोग देखेंगे। वोल्टेज की लाइनें तो हमको कहीं दिख रही है यहाँ पर नहीं, इसके ए पार्ट में तो नहीं है। U4501 इसका बी पार्ट पे आते हैं, ये मिल गई। कैसे जानोगे कि ये लाइनें किसकी हैं, बताओ भाई। VDD करके लिखा होगा, VCC करके लिखा होगा, तो ये वोल्टेज की लाइनें होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1.8 की सप्लाई आ रही है, 1.35 बस 1.35 3.3। तो पहले हम लोग 1 पॉइंट देख लेते हैं कहाँ से आ रही है, 1.8 ओ 28 नंबर VREG L5 1.8 यानी कहाँ से आ रही है, LDO से आ रही है। LDO कहाँ पे है, पावर IC के अंदर, तो पावर IC सप्लाई आ रही है। चेक कहाँ पर हम करेंगे, इसके चेक करने के लिए हमारे पास क्या, C4520 एक कैपेसिटर लगा, इस पर चेक करेंगे। कॉपी किया, लेआउट पे आए, कंट्रोल भी ये लगा नीचे IC के जस्ट, ये 1.8 अगर बैटरी जब काम करेगी, जब IC काम करेगी तब एक्टिव वोल्टेज है ये। तो ये लाइने हैं इसके बाद, और ये देखिए तो आया भी कहाँ से है, VREG L5 1.8। वो सारी सप्लाइयाँ कहाँ से आएंगी, पावर IC से, और यहाँ से भी देखिए यहाँ पर 1.3 ये भी वहीं से आ रही है। तो अपना थोड़ा चेक कर लीजिएगा, और मेन देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर दिखाया गया है कहाँ पे आ रही हैं, WTR पे, कहाँ पे हैं WTR। अब देखिए यही लाइन कई जगह पे आई है, देखो 43, 44, 40, 39। हाँ अभी जैसे 4 पॉइंट पे एक ही सप्लाई। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि ये दो ट्रैक, तीन तीन ट्रैक क्यों पे, मतलब कि एक ही पे क्यों नहीं सप्लाई दिया जाता है। जैसे चलिए हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, चार्जिंग IC ले लेते हैं, तब तुमको और समझाते हैं चीज़। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो वीवस की लाइन है 5 वोल्ट की, वो 1 और 24 नंबर पिन पे आई है, स्विचिंग 19-20 से हो रही है। तो कोई बताएगा खाली एक ही पिन पे क्यों नहीं सप्लाई, तुमने बताया और कोई, मिस प्रिंट, ओवर वोल्टेज से क्या हो जाएगा, दो पिनों पे जा रहा है जैसे ये हैं। ये इसलिए होता है समझिए पहले, कि अगर एम्पियर लेवल बढ़ जाए तो यहाँ पर ये IC दोनों ट्रैक मिलके संभाल ले, अगर एक ही पे रहेगा तो वो ट्रैक क्या हो जाएगा, जल जाएगा। समझ आई बात की नहीं आई, इसलिए यहाँ पर हमेशा कोई भी IC में 2, 3, 4, 5 पॉइंट एक कनेक्टेड होते हैं। जैसे सिंगल वायर, सिंगल है, कई बार तुम देखा होगा 2 वायर एक ही लाइन पर जुड़े रहते हैं, होता है कि नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अगर दो हैं जल्दी से खराब नहीं होंगे। तो ये अगर एक अगर होगा तो एक में क्या, अगर एम्पियर लेवल बढ़ गया तो नीचे का ट्रैक खाली जला देगा, इसलिए एक की जगह 2 या 3 या 4 किए जाते हैं। चलिए हम लोग अपने वापस आते हैं, स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जितने भी हैं सॉफ्टवेयर ये सब इंडोनेशिया के हैं। अरे वही सब इधर के इंजीनियर उधर पहुंच जाते हैं तो काम चलता रहता है सबका। बोर्नियो भी इंडोनेशिया का, ये भी इंडोनेशिया का। अरे इन्होंने EMC की पूरी बुक दे दी है, ठीक है, हिंदी में थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं, पूरी किताब है, पढ़िए भाई किताब है। हाँ तो अभी इसमें ऐसे समझ नहीं पाओगे हिंदी यार, पढ़ के तुम ठीक है, कितना भी बोल, हम नहीं समझ पाते तुम कहाँ समझ जाओगे। जैसे ये देखिए इस IC में, इस तरह की जो IC है उसमें इतनी बॉल्स क्या हैं, देखिए ये वाली किसके पास है, ये तो सभी ने, सबने भी बॉल किया होगा, ये वाली तुम लिए बैठे हो आगे रखी, सबसे ज़्यादा यही लगी होती है। अब देखिए इसमें, इस वाले में कितना, ये वाली जिसके पास हो IC अपनी रखिए अपने पास में, देखिएगा सभी के पास है, निकालिए अपनी अपनी IC, नहीं है सभी के पास है ये,
कम से कम सामने निकाल के रखो अपने हाथ में, तब समझ में आएगा कि हाँ कितने इसके एनसी हैं। रखी है ना, अब ऐसे हाथ में पकड़ो, देखो तीन तो इधर के मार दो, डू नॉट यूज, डू नॉट यूज, तीन डू नॉट यूज, डू नॉट यूज, ये ट्रैक निकल जाए कोई परवाह नहीं। कितने 12 हो गए, निकल जाने दो, गले मिल लेने दो, कोई फर्क नहीं। देखो ठीक है, इसके बाद वी एस एस, वी एस एस, वी एस एस, वी एस एस, ये आपस में खूब गले मिल लेने दो, कोई दिक्कत नहीं, खूब आराम से एक ही लाइन में प्रिंट भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरे पूरी लाइन की लाइन कह रहे हैं, हाँ हाँ रुक जाओ, मिलने दो गले, इधर वीडी टू, वीडी टू, वीडी टू, वीडी टू, यहाँ तक मिलने दो गले, जुड़ने दो, जुड़ेंगे थोड़ा, अगर आयरन लगा दोगे आप ट्रैक भी निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और देखना है जैसे ये दो पॉइंट VDDQ, ये तीन, ये यहाँ पे डबल डबल, ये तीन, ये मिलने दो, हाँ हाँ तब भी करेगा, उसके लिए तो आपको क्या चाहिए, ये इधर VSF नॉट कनेक्टेड, इधर देखो ये तीन चार पांच पॉइंट, देखो ध्यान से, नहीं नहीं कनेक्टेड है उनका मतलब ही नहीं, ठीक है। तो यार यार बहुत सारे पॉइंट है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत उसके अंदर नहीं है, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है।